हेलो फ्रेंड्स, मैं सज्जन सिंह शेखावत स्वास्तिक नर्सिंग एकेडमी की तरफ से आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने विटामिन B12 और उसकी डिफिशियंसी से रिलेटिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया था, ठीक है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं विटामिन B12 और उसकी डिफिशियंसी से रिलेटिंग क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं पढ़ा है या किसी कारणवश नहीं देख पाए हो आप, तो उस प्रीवियस वीडियो के अंदर जाइएगा और वहाँ से उस वीडियो को पढ़िएगा, उसके बाद इन क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को कीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप देखिएगा कि कितने आसानी से ये सभी क्वेश्चन आप कर पाते हो और वो भी करेक्टली, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा जा रहा है, नर्सिंग ऑफिसर इज केयरिंग ए प्रेग्नेंट मदर ड्यूरिंग हेयर एंटीनेटल विजिट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड डाइट्री अलाउंस ऑफ विटामिन B12 एडवाइज टू प्रेग्नेंट मदर बाई ए नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा जाता है, बात हो रही प्रेग्नेंट मदर्स की ड्यूरिंग हर एंटीनेटल विजिट। उसके बाद क्या पूछा जाता है, रिकमेंडेड डाइट्री अलाउंस ऑफ B12, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए के अंदर क्या पूछा है, 2.8 माइक्रोग्राम पर डे। ऑप्शन बी के अंदर कितना है, 2.6 माइक्रोग्राम पर डे। ऑप्शन सी के अंदर कितना है, 1.2 माइक्रोग्राम पर डे। ऑप्शन डी के अंदर कितना है, 2.4 माइक्रोग्राम पर डे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपने रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस पढ़ा तो इस क्वेश्चन को इजीली आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट में क्या करा, 2.8 माइक्रोग्राम पर डे, वो किसके लिए होता है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए होता है, ठीक है। तो ब्रीस्ट फीडिंग मदर्स को दिया जाने वाला रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कितना होता है, 2.8 MCG पर डे होता है। ऑप्शन सेकंड के ऊपर जाते हैं तो ऑप्शन सेकंड क्या होता है, ये करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, क्योंकि प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं उनको क्या होता है, यहाँ पे 2.6 MCG पर डे डाइटरी अलाउंस दिया जाता है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन के ऊपर जाते हैं, 1.2 MCG पर डे, तो 1.2 MCG पर डे होता है चिल्ड्रंस के लिए डाइट्री अलाउंस होता है। उसके बाद ऑप्शन फोर्थ के ऊपर हम जाते हैं तो 2.4 MCG पर डे होता है, वो किसके लिए होता है, एडल्ट्स के लिए क्या होता है, डाइट्री अलाउंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे जो डाउट्स हैं यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, प्रेग्नेंट मदर्स के बारे में बात हुई है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, 2.6 माइक्रोग्राम पर डे डाइट्री अलाउंस हम प्रेग्नेंट मदर्स को क्या करेंगे, एडवाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्सिंग ऑफिसर केयरिंग फॉर ए पेशेंट इज टेकिंग मेटफॉर्मिन, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर पेशेंट को केयरिंग कर रहा है जो मेटफॉर्मिन थेरेपी के ऊपर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरेशन ऑफ मेटफॉर्मिन इंडिकेट ए क्लाइंट एट रिस्क फॉर विटामिन B12 डिफिशियंसी, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप पढ़ गए कि एक पेशेंट है जो मेटफॉर्मिन थेरेपी के ऊपर है, तो उसके अंदर B12 विटामिन डिफिशियंसी के, तो कौन सी ड्यूरेशन होती है मेटफॉर्मिन थेरेपी की, जो क्या करती है, इंडिकेट करेगी कि पेशेंट एट रिस्क है विटामिन B12 डिफिशियंसी के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर मैं ऑप्शन ए है यहाँ पे, टेकिंग मेटफॉर्मिन फॉर 2 months, ऑप्शन बी है टेकिंग मेटफॉर्मिन फॉर 2 weeks, ऑप्शन सी है टेकिंग मेटफॉर्मिन फॉर 1 month, ऑप्शन डी है टेकिंग मेटफॉर्मिन फॉर 5 months, ठीक है। तो दोस्तों, आपने प्रीवियस वीडियो पढ़ा है तो उसके अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि पेशेंट के अंदर B12 डिफिशियंसी की रिस्क कौन कौन से ड्रग्स करते हैं। एक तो क्या करते हैं, एंटी डायबिटिक ड्रग्स होते हैं, या जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं मेटफॉर्मिन की, ठीक है। उसके अलावा H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, जिसके अंदर सिमेटिडिन है, रेनिटिडिन है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इस तरह की कंडीशंस को क्या करते हैं, B12 डिफिशियंसी की को डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा प्रोटोन पम्प इनहिबिटर्स होते हैं, जिसके अंदर ओमेप्रोजोल है, पेंटाप्रोजोल है, तो वो भी क्या करते हैं, विटामिन B12 डिफिशियंसी की रिस्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही मेटफॉर्मिन की, तो मेटफॉर्मिन के बारे में मैंने आपको बताया था कि मेटफॉर्मिन ऑप्शन ए है, इसके अंदर टेकिंग मेटफॉर्मिन फॉर 2 months, ठीक है। तो 2 months क्या है, लेस टाइम है,
तो 2 मंथ से ज़्यादा तक पेशेंट क्या करता है, इसको करता है टेकिंग रखता मेटफॉर्मिन, तो उसमें चांसेस रहते हैं 2 मंथ के अंदर कोई चांसेस यहाँ पे नहीं होते, तो ऑप्शन ए क्या होगा, रॉन्ग होगा। उसके बाद में टेकिंग मेटफॉर्मिन फॉर 2 वीक्स, तो 2 वीक्स क्या होता है, 15 डेज का टाइम पीरियड होता है लगभग, ठीक है, तो उसमें ये भी क्या होगा, रॉन्ग होता, ठीक है। और ऑप्शन सी क्या, टेकिंग मेटफॉर्मिन फॉर 1 मंथ, तो 1 मंथ भी क्या होता है, लेस टाइम पीरियड है। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट होगा, टेकिंग मेटफॉर्मिन फॉर 5 मंथ्स, ठीक है। तो 4 मंथ या इससे ज़्यादा टाइम के लिए अगर पेशेंट क्या कर रहा है, मेटफॉर्मिन को टेकिंग करता है, तो उसके अंदर पेशेंट के अंदर विटामिन B12 डिफिशियंसी होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, टेकिंग मेटफॉर्मिन फॉर 5 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विटामिन B12 रेड कलर ड्यू टू, ठीक है, तो विटामिन B12 का जो रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है निकोन रिंग्स, ऑप्शन बी है कोबाल्ट रिंग्स, ऑप्शन सी है प्लेटिनम रिंग्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ अबोव, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने प्रीवियस वीडियो विटामिन B12 को उसके अंदर बताया था कि विटामिन B12 हैवी रेड कलर ड्यू टू कोबाल्ट कोरिंग रिंग्स, ठीक है। तो कोबाल्ट रिंग्स होती है, इसका क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो कोबाल्ट कोरिंग रिंग्स होती है वही क्या करती हैं, ये विटामिन B12 क्रिस्टल्स होते हैं उनके रेड अपीरियंस वहाँ पे देती हैं, और उन्हीं के कारण उनका रेड कलर क्या होता है, विटामिन B12 का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ए नर्सिंग ऑफिसर इज केयरिंग ए क्लाइंट विथ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, द नर्सिंग ऑफिसर नोइंग दैट क्लाइंट एट रिस्क और विच विटामिन डिफिशियंसी, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा जाता है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का पेशेंट है और उसके अंदर किस तरह की विटामिन डिफिशियंसी देखी जाएगी, ठीक है। तो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की कंडीशंस के अंदर हम देखते हैं कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, लैक ऑफ हो जाते हैं, या यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर होती है, और इंट्रिंसिक फैक्टर लैक होने की वजह से कौन सा होता है, विटामिन B12 डिफिशियंसी क्या होती है, देखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हो कि जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कंडीशंस है उसके अंदर इन्फ्लामेटरी जो रीजंस होते हैं, इन्फ्लामेटरी कंडीशंस के कारण क्या होता है, लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, जिसके कारण क्या होती है, विटामिन B12 डिफिशियंसी देखी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ए फिजिशियन ऑर्डर्ड विटामिन B12 आफ्टर ए इंजेक्शन ऑफ साइनाइड बाई ए क्लाइंट, ए नर्सिंग ऑफिसर वेल नोन दैट इट इज यूज्ड एज ए एंटीडोट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग, विच एक्शन ऑफ द B12 डिस्क्राइब बाई ए नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। तो ऑप्शन ए है B12 चेंजेस साइनाइड इन द मेथिल कोबालामिन, ऑप्शन सेकेंड है B12 चेंजेस साइनाइड इन ऑक्सीकोबालामिन, ऑप्शन थर्ड है B12 चेंजेस साइनाइड इन हाइड्रोक्सीकोबालामिन, ऑप्शन डी है B12 चेंजेस साइनाइड इन साइनोकोबालामिन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि विटामिन B12 क्या करता है, एक्ट एज ए एंटीडोट ऑफ द साइनाइड पॉइजनिंग, ठीक है। तो साइनाइड पॉइजनिंग में एक एंटीडोट की तरह कार्य करता है, और उसका जो एक्शन होता है वो मैंने बताया था कि B12 चेंजेज हो जाता है या साइनाइड को चेंज कर देता है इन हाइड्रोक्सी कोबालामिन के अंदर, ठीक है। तो ये सारी मेथिल कोबालामिन है, ऑक्सीकोबालामिन है, हाइड्रोक्सीकोबालामिन है, साइनोकोबालामिन है, ये क्या होती है, फोरम्स होती है, जिन फोरम्स के अंदर विटामिन B12 क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि विटामिन B12 क्या कर देता है, साइनाइड को चेंजेज कर देता है इन हाइड्रोक्सीकोबालामिन के अंदर, ठीक है। जिससे क्या होता है, हाइड्रोक्सीकोबालामिन क्या होती है, एक विटामिन B12 की फॉर्म बन जाती है, और उस कंडीशंस के अंदर क्या होता है, वो पॉइजनस वहाँ पे नहीं रह पाती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन B12 चेंजेस साइनाइड इन हाइड्रोक्सीकोबालामिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, विटामिन B12 सोल्यूबल इन फॉलोइंग सब्सटेंसेज एक्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, एक्सेप्ट की बात हुई है, ठीक है। तो विटामिन B12 का पूछा जा रहा है कि कौन कौन से सब्सटेंस उनके अंदर विटामिन B12 है, इनमें से सभी के अंदर सोल्यूबल है, इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर सोल्यूबल नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो आपने पढ़ा, तो उसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि विटामिन B12 वाटर के अंदर भी सोल्यूबल होता है,
एथेनॉल के अंदर भी होता है और मेथेनॉल के अंदर सोल्यूबल होता है, तो जो बच गया वही क्या होगा यहाँ पे आंसर होगा, ईथर के अंदर ये सोल्यूबल नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि एक्सेप्ट पूछा है वाटर सोल्यूबल भी है, एथेनॉल और मेथेनॉल दोनों क्या होती है अल्कोहल की फॉर्म होती है, उनके अंदर भी क्या होता है सोल्यूबल है, बट ईथर के अंदर क्या होती है, ईथर भी क्या होता है केमिकल कंपाउंड होता है, उसके अंदर क्या होता है विटामिन बी ट्वेल्व होता है, वो सोल्यूबल नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी ईथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्सिंग ऑफिसर केयरिंग ए पेशेंट ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, फिजिशियन ऑर्डर्ड टू एडमिनिस्टर विटामिन बी ट्वेल्व है, व्हाट विल बी माइंड व्हेन ए नर्सिंग ऑफिसर स्टोर से विटामिन बी ट्वेल्व है इंजेक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्टली क्या पूछ रहा है कि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस पेशेंट को फिजिशियन के द्वारा विटामिन बी ट्वेल्व एडमिनिस्टर किया जाना एडवाइज किया गया है, तो उस कंडीशन में नर्सिंग ऑफिसर के माइंड में क्या होना चाहिए विटामिन बी ट्वेल्व की स्टोरेज को लेकर। ठीक है, तो उसके अंदर ऑप्शन बी है ओपन स्पेस विथ ए गुड लाइटिंग, ऑप्शन बी है क्लोज स्पेस विथ ए गुड लाइटिंग, ऑप्शन सी है डार्क प्लेस विदाउट लाइटिंग, ऑप्शन डी है डार्क प्लेस विद लाइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन होगा इसके अंदर कौन से, या तो हम ओपन स्पेस के अंदर रखते हैं, क्लोज स्पेस के अंदर रखते हैं, डार्क पैलेस के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो मैंने विटामिन बी ट्वेल्व की पिछली जो क्लास थी प्रीवियस वीडियो उसके अंदर बताया था कि विटामिन बी ट्वेल्व होता है वो लाइट के प्रति क्या होता है सेंसिटिव होता है, तो उसको क्या करना चाहिए डार्क इन्वायरमेंट के अंदर उसको रखा जाना चाहिए और विदाउट लाइटिंग उसको रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डार्क पैलेस विदाउट लाइटिंग। ठीक है, डार्क पैलेस के अंदर रखा जाना चाहिए और लाइटिंग क्या होनी चाहिए कम से कम वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए रॉन्ग होगा क्योंकि ओपन स्पेस यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा, वो क्लोज स्पेस है बट गुड लाइटिंग यहाँ पे है इसलिए क्या है रॉन्ग है। ऑप्शन डी रॉन्ग होगा क्योंकि डार्क प्लेस तो है बट लाइटिंग की प्रेजेंस है। ठीक है, तो वो भी क्या होगा यहाँ पे रॉन्ग होगा, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व है एक्सेप्ट, नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व इनमें से किस किस में होता है और इसमें किस में नहीं पाया जाता है इन ऑप्शंस में से। ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्टली क्या पूछ रहा है, कौन कौन से विटामिन बी ट्वेल्व के नेचुरल सोर्स है और इनमें से एक नहीं है। ठीक है, तो हमें इसमें से आइडेंटिफाइड करना है कि कौन सा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है एक्सेप्ट यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए के अंदर है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड एग। ठीक है, तो लीफी वेजिटेबल्स के अंदर क्या होता है अगर विटामिन बी ट्वेल्व की बात करते हैं तो इनके अंदर प्रजेंट होता है, एग्स के अंदर भी क्या होता है प्रजेंट होता है, मीट्स एंड लीवर एनिमल सोर्स होते हैं इनके अंदर भी क्या रहता है विटामिन बी ट्वेल्व की प्रजेंस होती है, नेचुरल सोर्स ही विटामिन बी ट्वेल्व के होते हैं, फिश होता है ये भी क्या होता है नेचुरल सोर्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स और मिल्क कंटेनिंग प्रोडक्ट्स ये भी क्या होते हैं नेचुरल सोर्स है विटामिन बी ट्वेल्व की। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी के अंदर बात करते हैं तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, दोनों में ही क्या होता है यहाँ पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को छोड़कर जितनी भी वेजिटेबल्स होती है और जितनी भी फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है विटामिन बी ट्वेल्व क्या होता है नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि और तो सारे क्या होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग्स, मिल्क कंटेनिंग प्रोडक्ट्स, फिश, मीट, लीवर सारे क्या होते हैं जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं विटामिन बी ट्वेल्व कंटेनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर विटामिन बी ट्वेल्व नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सिंग ऑफिसर केयरिंग ए पेशेंट कंप्लेन स्मूथ रेड बीफी टंग विद टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ लेग एंड हैंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशियंसी ए पेशेंट एट रिस्क ऑब्जर्व बाई ए नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या पूछा जा रहा है डायरेक्टली कि पेशेंट के अंदर कुछ इस तरह के सिम्टम्स की क्या हो रही है प्रजेंस हो रही है, जिसके अंदर क्या स्मूथ रेड बीफी टंग है और क्या है उसके साथ टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ द लेग एंड हैंड्स है। ठीक है, तो कौन सी विटामिन डिफिशियंसी पेशेंट के अंदर देखी जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर डायरेक्टली मैंने बताया था आपको कि जो कॉमन विटामिन बी ट्वेल्व है उसके अंदर कॉमन सिम्टम अर्ली साइन है वो क्या होता है, कॉमन अर्ली साइन क्या बताया था स्मूथ रेड बीफी टंग।
ठीक है। तो स्मूथ रेड बीपी टंग की कंडीशंस क्या होता है, विटामिन बी ट्वेल्व के अंदर क्या होता है, एक अर्ली साइन होता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। उसके बाद क्या होती है, टिंगलिंग सेंसेशन यहाँ पे पूछी गई है। तो ये क्या होता है, टिंगलिंग सेंसेशन क्या होता है, एक न्यूरोलॉजिक साइन होता है। तो आपको पता है कि नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए क्या होता है, विटामिन बी ट्वेल्व नीडेड होता है, और उसकी फंक्शनिंग डिफिशियंट हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होती है, टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ द लेग्स एंड हैंड देखी जाती है। तो वो क्या होते हैं, दोनों साइन क्या होते हैं, विटामिन बी ट्वेल्व है डिफिशियंसी को यहाँ पर क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, विटामिन बी ट्वेल्व है डिफिशियंसी उस पेशेंट के अंदर देखी जाएगी। ठीक है, तो वो सारी कंडीशंस क्या होती है, वहाँ पे हम आंसर यहाँ पे करेंगे, तो वहाँ पे आंसर क्या देंगे, विटामिन बी ट्वेल्व है डिफिशियंसी, यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फॉलोइंग ऑफ द स्टेटमेंट फ्रॉम द नर्सिंग ऑफिसर करेक्ट अबाउट द विटामिन बी ट्वेल्व एक्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे, एक्सेप्ट पूछा गया है कि इनमें से सारे करेक्ट है, इनमें से कोई ऐसा है जो करेक्ट नहीं होगा, तो उसको आपको आंसर्ड करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए के अंदर बात हो रही को एब्जॉर्ब विद इंट्रिंसिक फैक्टर। तो इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, विटामिन बी ट्वेल्व के एब्जॉर्प्शन के लिए नेसेसरी होता है। तो ये यहाँ पे क्या है, करेक्ट है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन बी के बारे में बात करते हैं, स्टेबल एटलीस्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो स्टेबल होता है हाई टेम्परेचर के ऊपर, विटामिन बी ट्वेल्व क्या होता है, स्टेबल होता है। तो मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर ये आपको बता चुका हूँ, ये भी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड है नॉर्मल फंक्शनिंग एट पीएच रेंजेस 6.0 to 7.4, ये क्या होगा, करेक्ट नहीं होगा, और ये क्या होगा, आंसर होगा अगर एक्सेप्ट पूछा है तो। क्योंकि 6.0 to 7.4 न होकर कितने पे स्टेबल होता है, अगर फंक्शनिंग करता है नॉर्मल विटामिन बी ट्वेल्व है तो वो कितने पीएच के ऊपर करता है, 4.5 to 5.0 के ऊपर क्या रहती है, नॉर्मल फंक्शनिंग क्या रहती है, विटामिन बी ट्वेल्व की देखी जाती है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, नॉर्मल फंक्शनिंग एट पीएच रेंजेस 6.0 to 7.4, और जितनी भी क्या होती है 6.0 7.4 की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसमें हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट और हाईली एल्कलाइन इन्वायरमेंट में विटामिन बी ट्वेल्व अपनी प्रॉपर्टीज़ को खो देता है, या लॉस ऑफ फंक्शनिंग वहाँ पे देखी जाती है, नॉर्मल फंक्शनिंग वहाँ पे नहीं होती, इसलिए क्या होगा, एक्सेप्ट पूछा, तो ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी है वाइटल फॉर ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, तो ये भी क्या है, करेक्ट है यहाँ पे, और इसको भी क्या होता है, वाइटल फंक्शनिंग के लिए क्या होता है, नीडेड होता है विटामिन बी ट्वेल्व नर्वस सिस्टम और ब्रेन की वाइटल फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा, नॉर्मल फंक्शनिंग एट पीएच रेंजेज 6.0 to 7.4। फ्रेंड्स, अगर वीडियो कलेक्शन के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे लगे हो आपको, या इन क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब बटन है उसके सामने वाले आइकन पे बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें और मैं और अच्छे वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करता रहूं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो और नए कंटेंट के साथ। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।